हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आपके बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जो मैं हेयर टिप्स के वीडियो शेयर करती हूँ, उसके साथ आपके कमेंट आए थे कि आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हो, आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है और साथ ही आपके स्किन पर कोई भी रिंकल नहीं है और पिंपल नहीं है, कुछ भी दाग धब्बे नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप ज़्यादा मेकअप भी नहीं करते, तो स्किन के लिए आप क्या करते हो? तो गाइज, आज मैं आपको बताती हूँ अपना स्किन केयर। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने बहुत बार एक दो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप चैनल में देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो गाइज, सबसे पहले पहला रूटीन मेरा ये है कि सुबह उठते ही जो चिल्ड वाटर होता है, फ्रिज में हम पानी रख देते हैं, उससे मैं फेस को वॉश करती हूँ उठते ही। उससे क्या होता है, जो आपके ओपन स्पॉट्स हैं वो बंद हो जाते हैं और साथ ही रिंकल और या लूज आपकी स्किन हो गई है और आपकी स्किन नीचे को लटक रही है तो उससे टाइट रहती है स्किन और आपकी स्किन लटकती नहीं है। साथ ही फेस मसाज आपको करना है, उसका भी वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी कि आपको कौन कौन से फेस मसाज करने हैं जिससे कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हो और लटकने से रोक सकते हो, झाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत सारी समस्या नहीं होती है। तो गाइस, आज मैं एक ऐसा फेस पैक आपको बता रही हूँ जिसे लगाने से आपके जो दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे टाइनिंग आ गई है धूप से, आपको साथ ही कोई ऐसा सनस्क्रीन चुन लेना है। जब भी आप बाहर जाते हो, धूप में जाते हो, तो सनस्क्रीन लगा कर के ही जाना है। और साथ ही जो फेस पैक मैं बताती हूँ वो लगाइए। मैं कभी भी मैंने फेशियल नहीं कराया अभी तक और मैं घर पर ही नेचुरल तरीके से फेस पैक बना करके अपनी स्किन की केयर करती हूँ घर पर ही। और मैं हर्बल चीज़ों पर विश्वास करती हूँ, जैसे कि मैं बालों के लिए बताती हूँ कि मुझे हर्बल चीज़ें बहुत पसंद हैं और मैं कोई हैवी मेकअप नहीं करती हूँ। हल्का सा मुझे आईलाइनर और लिप बाम लगाना पसंद है, वो भी हल्का सा मॉइस्चराइजर वाला, और चाहे तो आप लिप क्रीम लगाती हूँ उसके बाद ही मैं बाहर जाती हूँ। तो गाइस, जो मैं फेस पैक आज आपको बता रही हूँ उससे आपकी जो स्किन पे बहुत ज़्यादा टाइनिंग आ गई है या दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे आपके दाग धब्बे धीरे धीरे, हफ्ते में आपको दो बार लगाना है, धीरे धीरे एक महीने में आपका फेस साफ होने लगेगा। तो गाइस, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसको कैसे लगाना है ये भी आपके साथ शेयर। इस पैक को लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से पोंछ लेना है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, लिप बाम भी नहीं लगाया है और आईलाइनर भी नहीं लगाया है, कुछ भी मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ वॉश किया है फेस वॉश से। फेस वॉश आप जो भी आपकी चॉइस है वो चुन सकते हो, जो यूज कर रहे हो उसे ही कर सकते हो। तो गाइज, अब मैं इसे अपने फेस पे लगा रही हूँ, तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। पूरे गर्दन में, पूरे फेस पे इसको लगाना है और आप इसे हाथों पर भी लगा सकते हो अच्छे से, आप अपने हाथों को बहुत सुंदर कर सकते हो इसे लगा के। तो मैं अभी अपने फेस पर ही इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज, इस फेस पैक को बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ ये बेसन, 2 से 3 टेबल स्पून आप बेसन के ले लीजिए और जितना भी आपके फेस पे या गर्दन पे लगता है उतना अपने हिसाब से आप ले लीजिए। और आधा कटा हुआ टमाटर आपको ले लेना है। टमाटर को आप सीधे सीधे फ्रिज से निकाल करके भी अपने फेस पे लगाते हो और बहुत अच्छे इसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने दही ले रखा है। दही लगाने से स्किन पे काफ़ी फायदे होते हैं, जो रिंकल है, पिंपल है और बहुत सारे ऐसे दाग धब्बे हैं, तो फिर ही इसको लगाना है अच्छे से, फेस पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, आप चाहे तो हाथों पर भी इसे लगा सकते हैं, पूरे फोरहेड पर इसे अच्छे से लगा लीजिए। और मेरे ये छोटे छोटे बेबी हेयर ना मुझे बहुत परेशान करते हैं क्योंकि नए नए आ जाते हैं तो ये काफ़ी परेशान करते हैं, तो मैंने अच्छे तरीके से बालों को बांधा हुआ है फिर भी ये सामने आ जाते हैं। तो गाइस, आप इसको आँखों के नीचे भी लगा सकते हैं, इससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, बस हल्की सी इरिटेशन इसमें होती है तो वो नॉर्मली है, कुछ भी हम लगाते हैं फेस पे तो, और स्किन को साफ करने के बाद ही आपको लगाना है। तो गाइज, इसका गाढ़ा सा पेस्ट आपको बनाना है फिर ही आपको इसको लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बच गया है, मैं अपनी स्किन पे इसे लगा रही हूँ और बहुत गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट इसका बननी होती है। तो गाइज, आपको 15 से 20 मिनट
अब इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहे तो हाथों पर भी लगा सकते हैं। तो गाइज अब ये सूख गया है और हल्का हल्का फिर भी गीला है, तो मैं इस तरीके से इसको निकालूंगी। आप देख सकते हैं फेस पे वैसे भी, और ये अच्छे से नहीं निकल रहा था, तो मुझे फिर वॉश करना पड़ेगा, फेस को वॉश करना पड़ेगा। तो साफ तरीके से आप अपने फेस को वॉश कर दीजिए, और गर्दन पे जो कालापन है कुछ भी ऐसा है तो गर्दन पे आप इसे लगाइए, हफ्ते में 2 बार लगाइए। इसका रिजल्ट फिर आप खुद ही देखेंगे तो कितना अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो गाइज इस तरीके से आपको निकाल लेना है फेस से, उसके बाद अच्छे से नहीं निकलता है तो आपको इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी रिजल्ट, कितना अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो पूरे फेस पे ये हल्का सा, क्योंकि गाढ़ा पेस्ट लगाया था तो ये थोड़ा सा गीला रह गया है, और आज मैंने बालों को अच्छे से बांध लिया है पीछे की तरफ, क्योंकि ये बालों में लग जा रहा है बार बार, तो इसलिए मैंने बालों को अच्छे से बांध लिया है। और हेयर का कोई वीडियो नहीं बनाया आज, बस मैं आपको फेस के बारे में ही बताना चाहती थी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे। तो गाइज ये निकल नहीं पा रहा है, और आप देख सकते हैं फेस पे जहाँ से भी ये हटा है तो कितना। तो गाइज देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर दिया है, और ग्लो आप देख सकते हैं फेस कितना क्लीन हो गया है, पहले से कितना ग्लो है। तो आप ये रिजल्ट खुद देख सकते हैं मेरे फेस पे। और थोड़ा सा अगर आप इसको लगाते हैं तो उसके बाद सूखने के बाद हल्की सी इरिटेशन आपको होगी, कि हल्की सी जलन होने लगेगी स्किन पे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको वॉश कर देना है, और फेस देखिए इतना खिला खिला हो जाता है। हफ्ते में आपको ये पैक 2 बार लगने में आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, और जो भी आपकी स्किन बिल्कुल लूज लग रही है या बहुत आपकी स्किन डल हो गई है, टाइनिंग आपकी स्किन पे आ गई है, तो ये सारी समस्याएं इस पैक को लगाने से ही एक दिन में ही आप देखेंगे अपनी स्किन पे ग्लो, जैसे कि आप मेरी स्किन पे देख रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और गाइज 1 महीने में आपके जो दाग धब्बे बहुत ज़्यादा चेहरे पे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आई होप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं बहुत ही यूजफुल रेमिडीज, हेयर केयर हो या स्किन केयर हो, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।